नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है रेड सॉस पास्ता। हम 1 पॉट रेड सॉस पास्ता बनाएंगे, इसका मतलब एक ही पॉट में बनाएंगे। हमें अलग से पास्ता उबालना या अलग से उसका मसाला तैयार करने की ज़रूरत नहीं, एक ही साथ सब करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रेसिपी हमने कैसे बनाई है। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक पैन में हम 1 चम्मच बटर लेंगे और आधी छोटी चम्मच तेल डालेंगे, जिससे बटर जले नहीं और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तब यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं, इसको हमें स्टर फ्राई करना है। इसमें सबसे पहले लहसुन डालेंगे। यहाँ पे 1 कली हमने लहसुन ली है, छोटी सी कली थी उसको बारीक काट के लिया है। 2 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शिमला मिर्च डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधी कप अलग अलग कलर की शिमला मिर्च ली है और आधी कप ही ब्रोकली ली है। नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार और इसको मीडियम से हाई हीट के बीच में और 2 से 3 मिनट के लिए खाली सौते कर लेंगे। हमें सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसमें हमें क्रंच चाहिए और हमने यहाँ पे वही सब्जियाँ ली हैं जिनमें क्रंच रहता है तो वो अच्छी लगती हैं, जो आप हल्की सी कच्ची खा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बेबी कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके पास अगर कलरफुल शिमला मिर्च नहीं है, ब्रोकली नहीं है, तो आपके पास घर में जो भी सब्जी है उसका इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये हमारी स्टर फ्राई हो चुकी है। अब इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी सब्जियां जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पे बटर गरम करेंगे। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो 2 तेज पत्ता डालेंगे और यहाँ पे हम 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पे भून लेंगे। हल्का सा ब्राउन नहीं करेंगे लहसुन, खाली हल्का सा भूनेंगे। ये हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे हमने एक प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, बड़ा साइज का प्याज है ये। इसको भी हम यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, मीडियम पे गैस रखेंगे और हल्का सा खाली ये स्वेट होने तक भूनेंगे हम इसको। हल्का लाइट पिंक हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके का प्याज हो जाएगा। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और जो टमाटर थोड़े सॉफ्ट होते हैं उसी का इस्तेमाल करें आप इसमें। और आप चाहें तो 1 टमाटर और यहाँ पे आप 3 चम्मच टमाटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाजार में रेडीमेड मिलती है उसका। और अब हम इसको टमाटर को अच्छे से गलने तक पकाएंगे, मीडियम हीट पे रखेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे टमाटर को गलने में। ये देखिए, ये टमाटर इस तरह से हो जाएगा। इसमें आप अगर प्यूरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी थोड़ा, टमाटर से अगर इतना खट्टा नहीं है तो अच्छा खट्टा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और हम यहाँ पे 1 कप पास्ता लेंगे। यहाँ पे मैंने ये इस तरह से स्पेगेटी पास्ता लिया। आपके पास जो भी पास्ता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना पास्ता लेंगे उसका डबल पानी का इस्तेमाल करें। ये पास्ता में अब हम मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे सबसे पहले स्वाद के अनुसार। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हम आधी चम्मच ड्राई ऑरिगेनो डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर ऑरिगेनो नहीं है तो आपके पास अगर इटालियन सीजनिंग है या कोई से भी जो भी आपके पास पाउडर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। इसमें हर पैकेट में इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि हमें अपने पास्ता को कितनी देर पकाना है। जिस पास्ता को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको 12 मिनट तक पकाना है, तो मैं इसको मीडियम हीट पे 12 मिनट तक अच्छे से बॉईल करूंगी। आप अपने बॉक्स में देख लें पास्ता को आपको कितनी देर पकाना है, वैसे 10 से 12 मिनट के अंदर पास्ता अच्छे से पक जाता है। और हम इस तरह से अगर इसको बनाते हैं तो हमारा पास्ता जो है उसके जो फ्लेवर्स हैं वो इसके पास्ता के सूप में रहते हैं, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये एक पॉट में बन के तैयार हो जाता है। इसमें आपके बहुत बर्तन भी नहीं होते हैं। ये देखिए, ये हमारा पास्ता पक चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव्स डालेंगे। मैं ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी कलर के हो आप उसका इस्तेमाल करें।
और जो हमने सब्जियां स्टर फ्राई करी थी उसको ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, मैं चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इस रेसिपी में। आपको पसंद हो तो आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसको ऐड कर सकते हैं इसमें। ये बिना चीज़ के भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, ये हमारा पास्ता बन के तैयार है। इसमें पार्सली ऊपर से डालेंगे, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये हमारी रेसिपी तैयार है। अब हम इसको एक बोल में सर्व कर देंगे। इसको गर्मा गर्म को सर्व करें। आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ खा सकते हैं या फिर चीज़ ब्रेड के साथ खा सकते हैं। और मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में चीज़ ब्रेड की रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर करें, अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।